जय हिंद। आप लोग जानते हैं कि सांप के जो आंख है, ठीक है, और उसके कान नहीं होते हैं, फिर भी वो सुन कैसे लेता है और सो कैसे जाता है, ठीक है। तो उसके पास ना कान होते हैं, ना कान के स्थान पर कोई छिद्र होता है, फिर वो सुन कैसे लेता है। तो जो सांप होते हैं उनका संवेदनशील होता है, ठीक है। जब हम चलते हैं शरीर जो जमीन है वो कंपन करती है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही करे या फिर हम लोगों को ना पता चले, लेकिन जो सांप है उसके आसपास की जो जमीन की वो कंपन करने लगती है, और उसका शरीर जो होता है संवेदी अंग होने की वजह से उसका शरीर जो होता है उसका होता है महसूस कर लेता है, भाग जाता है कि कुछ आहट हो रही, कुछ चीजें आ रही, ठीक है, जो कि वो इसी वजह से भागने लग जाता है। तो अगर किताबी भाषा में देखा जाए तो पहला तो क्या है कि क्या कारण है कि सांप बिना कान के ही सुन लेता है। तो ये जो होता है बच्चों ये कारण, ठीक है, अगर कान नहीं है तो सांप हवा में आने वाली तरंगे, ठीक है, हवा में आने वाली तरंगे और कई साथ उसके मतलब हवा में जो आती हैं तरंगे, ठीक है, आने वाली तरंगों को वो नहीं सुन पाता। जैसे कि अगर हम हवा के झोंके आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है तो वो बिना कान के हवा में आने वाली झोंकों को वो नहीं सुन पाता है, लेकिन पृथ्वी पर वो रहता है, ठीक है। पृथ्वी पर कुछ कंपन होती है जब हम चलते हैं या फिरते हैं तो कुछ कंपन होती है, ठीक है, भले वो आपको ना पता चले। अभी देखिए हम लोग चल रहे हैं तो धक धक है ना, ओके, पैर तभी धक धक बोल रहा है। तो ये चीजें कुछ कंपन होती हैं जो उसकी त्वचा, सांप की जो त्वचा होती है वो बहुत ही संवेदनशील होती है और वो समझ जाती है, महसूस कर लेती है, इसी वजह से क्या हो जाती है वो खतरे को भाप कर वहां से भाग जाते हैं। यही कारण है कि वो बिना कान के ही सुन लेते हैं, लेकिन उनके पास आंख की जो पलके नहीं है वो सोते कैसे है, तो वो आपके पल की भले ही ना हो तो आप वो उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण लगता है कि उनको आंख बंद हो गई है। आंख जो ये जो रेटिना या फिर ये जो काला दाग है ये वो क्या करते हैं अपनी अंदर कर लेते हैं, ठीक है, जो कंचे आंखें होती हैं सांप की वो अंदर कर लेते हैं और उन्हें क्या करती हैं वो सारी जगह अंधेरा दिखाई देने लगता है और वो सो जाती है, लेकिन कोई भी आहट होती है तुरंत वो अपना आंख सही कर लेते हैं और भाग जाते हैं वहां से। तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। तो यही कारण है कि सांप बिना कान के और बिना आंख के पलके हुए होने की वजह से भी सो और सुन लेता है या फिर खतरे को भाप लेता है, ठीक है। तो ये थे कारण। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि सांप केचुल छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो केचुल किस प्रकार से छोड़ते हैं क्या आपको पता है? तो देखिए केचुल तो पूरे शरीर में होंगे, शरीर में नहीं होंगे तो मुंह के नीचे ही तो होंगे, तो यहाँ मुख का नीचा वाला जो हिस्सा है गर्दन वाला पहले रगड़ते हैं, कहीं जाकर रगड़ेंगे उसको, ठीक है, अपने फेस को रगड़ते हैं ताकि वहां की जो केचुली है छूट जाए, ठीक है, वहां अपना गर्दन या अपना मुंह रगड़ेंगे ताकि वहां केचुली छूट जाए। उसके बाद अपने शरीर को इस प्रकार से आड़ी तिरछे जिगजैग जगह पर उलझाओ जगह पर, ठीक है, फंसा लेंगे, फिर खुद को खूब कस के खींचेंगे और उनकी जो केचुली है वहीं पर अटक जाएगी और वो आगे निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से चीजें वो अपनी केचुली छुड़ाते हैं, यानी पहले अगर वो लोग केचुली छुड़ाना तो पहले मुंह को रगड़ेंगे, ठीक है, यहाँ गर्दन का केचुली छूट जाता है, फिर शरीर को इस प्रकार से चीजों अपनी शरीर को इस प्रकार से ऐंठते हैं जिगजैग चीजों पर या फिर तिरछी मिर्ची खरपतवारों में और खुद को खींचते हैं, केचुली ऊपर ही रह जाती है और अपना शरीर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से वो केचुली छोड़ते हैं। तो आई होप आपको कारण समझ में आया होगा कि सांप को कैसे सुनाई देता है, कैसे वो सोता है, कैसे वो केचुली छोड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।